जी हम इस वक्त थाना मोरगा में हैं। अभी हम इससे पहले हमारी सीपीओ साहब से मुलाकात हुई, वो जो एक इशू बाइबल की बेहरमती का चल रहा था, जो जिस शख्स ने बाइबल की बेहरमती की उस पे जो दफ़ा थी वो 258 लगी हुई थी। हमने आज बाबर सोत्रा साहब की मदईयत में, अनूप वेलफेयर ट्रस्ट के जो चेयरमैन हैं उनकी मदईयत में, शबाज नार की मदईयत में और रोबन दाऊद एडवोकेट जो हैं हमारे लीगल एडवाइज़र उनकी मदईयत में हमने दरख्वास्त दी है, और उसमें जो है वो 295A और साइबर क्राइम एक्ट के तहत सीपीओ साहब ने और एसएचओ साहब ने हमें यकीन दहानी कराई है। मेरी तमाम दुनिया में मसीहों से जो इस परेशानी में मुबतला थे कि ये 258 क्यों लगी, मेरे यस्सू के फजल से, खुदावन के फजल से और सीपीओ साहब की और पंजाब पुलिस की मेहरबानी की वजह से जो है वो मुल्ज़िमों को जो है वो कानून के मुताबिक सख्त से सख्त सजा दी जाएगी और उन पे कानून के तहत ही मुकदमा दर्ज होगा। बहुत शुक्रिया हम शबीर साहब के भी बहुत शुक्रगुजार हैं, एसएचओ साहब के, सीपीओ साहब के भी। मैं एक मरतबा फिर बाबर साहब, शबाज नार साहब और अपनी पूरी टीम जो हमारे साथ मुल्क भर में काम कर रही है उनकी तरफ से अपनी कौम को इस चीज़ की यही वजात पेश करना चाह रहा था कि उनके खिलाफ जो है जो एक्ट बनता है तोहीन मज़हब का उसी के खिलाफ एफ आई आर दर्ज हो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।